नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कतर के बारे में। जी हाँ भाई, एक बेगुनाह जोड़ा जो कतर में फंस गया था, आप सबको पता ही होगा, ओनिबा और शरीक। जी हाँ, बता दूं लगभग जुलाई का मैटर 2019 का, जो इंडिया से गए थे हनीमून मनाने के लिए। जी हाँ, और जैसे ही कतर एयरपोर्ट पे पहुंचे, रात को 10-11 बजे का मैटर था, वहां की कतर पुलिस ने जांच के दौरान उनके पास से 4 किलो हशीश निकली, जो नशे का एक नशा होता है। 4 किलो हशीश निकलने पे उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से, आपको पता है गल्फ कंट्रीज में भाई क्या होता है, तुरंत प्रभाव से फैसले होते हैं, तुरंत उनको भाई, एक्चुअल में उनकी बैग से 4 किलो नशा निकला है तो तय बात है कि उनका है, वहां तो इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं थी, उनको तुरंत 10 साल की सजा सुना दी गई। जी हाँ, बता दूं ओनिबा उनकी वाइफ थी, जो उस टाइम 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जेल में हो गए, उनको पता भी नहीं, वो घर वालों से 2-3 दिन से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। उसी दौरान एक महिला जेल से निकली, उनको उन्होंने शरीक ने ओनिबा ने नंबर दिए कि भाई ये हमारे इंडियन नंबर हैं हमारे फादर के, उनको कॉल करके जरूर बताना कि ऐसे ऐसी उनके साथ घटना हो गई। उन्होंने जैसे ही बताया, पैरों तले जमीन खिसक गई, फिर वो भाग के वहां पहुंचे, उनको पता लगा जेल हो गई, उनको सजा हो गई, फिर वापस आ गए, फिर उन दोबारा गया तो उनके हाथ में एक मोबाइल लग गया, उनके शरीक का मोबाइल उनको दे दिया गया कि भाई ये आपके बच्चे का मोबाइल है, आप रख सकते हैं। उसमें पूरी कॉल डिटेल निकाली गई तो पता लगा कि उनकी एक फूफी थी कुरेशी, तसुम कुरेशी, ये पूरा कराया उसका था, वो भी बॉम्बे में थी। उसने बोला कि मैं आपको हनीमून पैकेज पे दोनों हस्बैंड वाइफ को कतर भेजना चाहती हूँ। हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि जब हमारी कैपेसिटी होगी हम अपने आप चले जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती करते करते उन्होंने हार मान के चलो हाँ कर ली कि भाई ठीक है हम चले जाएंगे। उसने बॉम्बे से उनको बेंगलुरु भेजा, बेंगलुरु से उनको एक सामान दिया गया, एक बैग दिया गया, बैग वो लेके चले गए। उस शरीक ने फोन किया कि फूफी बैग में ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें एयरपोर्ट पे दिक्कत हो जाए। 3 से 4 बार की कॉल डिटेल में बार बार शरीक ये पूछ रहा था, ये कॉल डिटेल उनकी रिहाई का कारण बन गई। जी हाँ, फिर उनके वहां पे यहाँ इंडिया में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, NCB में शिकायत दी गई, विदेश मंत्रालय में बातचीत हुई, पूरी भागदौड़ कोशिश करी, सरकार का पूरा रोल रहा इसमें। कोशिश कर कर आके बता दूं, अभी पिछले रविवार को 2:30 बजे रात को ओनिबा शरीक और उनकी, उस टाइम वो ओनिबा प्रेग्नेंट थी, उसकी बच्ची, वो तीनों एयरपोर्ट पे उतर गए। जी हाँ, तो एक अच्छी न्यूज है कि भाई तीनों एयरपोर्ट पे आ गए, बेगुनाह होते हुए भी उनको सजा सुना दी गई 10 साल की। लेकिन पूरा सपोर्ट इंडियन सरकार का, NCB का, विदेश मंत्रालय का और NCB के जो अधिकारी हैं उनका पूरा सपोर्ट रहा, तो इस वजह से ये बेगुनाह होके 1-1.5 साल के अंदर वो इंडिया पहुंच गए। रविवार को 2:30 बजे फ्लाइट से वो पहुंचे, उनके मदर, फादर, सास, ससुर, उनके भाई बहन सब उनको लेने के लिए आए। घर पे बैठे तो बहुत सारे पत्रकार एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि इस तरह से हमारी फूफी ने हमें वहाँ बेंगलुरु भेजा, वहाँ से एक सामान पैकेट दिया, वो हम लेके चले गए, हम वहाँ पे फंस गए। तो उन्होंने बता दिया कि भाई हमारी फूफी की पूरी करतूत थी, हालांकि फूफी पे FIR वगैरह हुई, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो 2 नंबर का काम पहले से इंडिया में उनके साथी और भी 3-4 थे वो कर रहे थे, पहले वीडियो में मैंने बताया था, ये तीसरा वीडियो इससे रिलेटेड है। तो फाइनली भाई वो बेगुनाह होते हुए भी वहाँ पे फंस गए थे, लेकिन इंडियन सरकार की मदद से वो वापस इंडिया आ चुके हैं, अपने घर पे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने पूरी बात खुल के बता दी है। तो भाई इंडियन कानून तो देख यही कहता है कि 101 बेगुनाह को फंसने से बचाने के लिए 100 गुनहगारों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ा जा सकता है, ये इंडिया का कानून है। और ये पूरी कोशिश करी सरकार ने, यहाँ से एविडेंस भेजे, पूरी कोशिश कर करा के उनको निकाल के लेके आए, वरना तो भाई इंडिया के अगर फंस जाते सजा ही हो गई तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल था। ये साबित करना पड़ा इंडियन सरकार को, हमारे इंडियन अधिकारी को, अधिकारियों को बहुत बड़ा कोशिश करके कि भाई ये निर्दोष थे, गलत तरीके से फंस गए थे, हालांकि वो निर्दोष इंडिया में थे। सोचने की बात ये है भाई, इंडिया में निर्दोष थे, वहां तो दोषी पाए गए ना उनकी, भाई मेरी जेब से एयरपोर्ट पे कोई 2 नंबर का सामान निकलता तो मैं तो दोषी हूं। अब इस बात को इंडिया की सरकार वहां कोशिश करके मुझे निर्दोष साबित करे, कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं हो सकती भाई, क्योंकि वहां तो मैं दोषी हो गया ना, कैमरों में सब कुछ मेरा सामान चेक किया, 2 नंबर का सामान मेरे पास से निकला है, तो मैं कैसे निर्दोष हो सकता हूं। लेकिन फिर भी सरकार ने पूरी कोशिश करके इनको निर्दोष साबित करवाया, क्योंकि ये गलती से फूफी के विश्वास में आके सामान ले लिया। इससे क्या सीख मिलती है भाई, इससे सीख ये मिलती है कि कोई भी सामान आपको दें उसको चेक जरूर कर लें, आंख बंद करके विश्वास ना करें, चाहे वो अपना रिलेटिव हो, चाहे वहां से इधर इंडिया आ रहे हो, चाहे इंडिया से आप विदेश जा रहे हो, कोई भी सामान हो चेक करके ले। अगला बोल दे चेक मत करना यार, खोलना मत, तो भाई तू पकड़ तेरा सामान, हमें नहीं लेके जाना है, नाराज हो तो एक बार रहेगा, हमें तो दिक्कत नहीं आएगी ना। और अगर सामान में कोई गलत नहीं है, कोई सामान सही है
दो नंबर का कोई उसमें माल नहीं है तो उसको चेक करवाने में मुझे नहीं लगता कि कोई उसको दिक्कत आएगी। हमेशा सामान किसी भी पर्सन का हमने मना नहीं करेंगे कि भाई सामान लेके मत आओ, सामान लेके आना चाहिए, चेक जरूर कर लें, वरना ओनिबा और शरीक का मैटर आपके साथ भी हो सकता है। इनके पास तो इनका मोबाइल मिल गया, कॉल डिटेल मिल गई, इसलिए इनको निर्दोष साबित कर दिया। आप निर्दोष साबित भी नहीं हो पाओगे, जेल काटनी पड़ेगी। बस ये अपडेट देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।